आज तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम का जन्मदिवस है। ऐसे में यूँ कह ले तो राज्य भर में नहीं पूरे देश भर में जन्मदिन की धूम मनाई जा रही है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए SC ST कल्याण मंत्री अनिता देवी जी मौजूद हैं। आज आपके नेताजी का जन्मदिवस है, कैसे मना रहे हैं? आज हम बहुत अच्छे से मना रहे हैं उनका जन्मदिन। सबसे पहले उनके तो जन्मदिन पर मैं बधाई देती हूँ कि इनकी और लंबी उम्र हो, जितनी उनकी ख्वाहिश है पूरी हो। आज के दिन उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक महिला होने के नाते आप कितनी शुभकामनाएं देती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आजकल महिला के पक्ष में ज़्यादा बयान दे रहे हैं? महिला के पक्ष में तो बहुत काम भी कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, काम हो भी रहा है। यह बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है, देश विदेश। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से तेजस्वी जी को धन्यवाद देती हूँ कि अपना जो टारगेट लिए हैं उस टारगेट में अधिक से अधिक सफल हो। ठीक है कि शुभकामनाएं भी दे रही है, लेकिन एक ये जो हमारे साथ मंत्री मौजूद हैं, हम इनसे जान लेते कि मैडम महिला के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे, कहीं कुछ समस्या होती है। तेजस्वी जी एक मसीहा के तौर पर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका का आंदोलन प्रदर्शन हो रहा, आज तेजस्वी जी के जन्मदिवस पर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी की है, लेकिन एक हम जो अभी तस्वीरें जो लेकर के आपके सामने आया है वो ये कि महिला का कपड़ा तक फाड़ दिया गया है, तो ये जन्मदिवस पर पदाधिकारी के द्वारा ये किस तरह का ये आप कैसे? अभी तो हम लोग देखे नहीं हैं ना जाने हैं, लेकिन तेजस्वी जी महिलाओं के हित में, हम भी एक महिला ही हैं, मंत्री बाद में है, पहले हम महिला हैं। वह दूरगामी है, वह महिला के हित में बहुत ही काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं, और आने वाला भविष्य में जो भी हमारी है कर्मचारी सेविका उनका भविष्य उज्जवल होगा, और इस पर चर्चा भी हो रही है, बात भी चल रही है। महिला के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं आप लोग, कर भी रही हैं, आप कल्याण मंत्री भी हैं, लेकिन मैम इससे पहले भी सदन में आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ पुलिसकर्मी के द्वारा, आप भी बढ़ चढ़ कर बोली थी, खुलकर बोली थी, आज के लिए आज इस तरीके से महिला का कपड़ा फाड़ दिया गया, उस पर क्या बोलेंगी? एक बिहार में महिला के साथ ये किस तरह का अनादर है, क्योंकि आपके साथ भी हो गया है, हो चुका है मैडम, तो इसके लिए हम आपसे आज अब तो हो गया, उसे बात छोड़िए, लौटने वाला नहीं है। लेकिन क्या वो सही हुआ था, महिला के लिए सही था? सही नहीं हुआ है, ये भी हम लोग आंगनबाड़ी के लिए भी सोच रहे हैं, काम भी हो रहा है और बिहार सरकार कर रही है, केवल आंगनबाड़ी ही नहीं, जितने भी है महिला कर्मचारी हो या पुरुष कर्मचारी हो। अभी देखिए जातिगत जो जनगणना आया है उसमें हर वर्ग के लिए आरक्षण मिला है, SC ST पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी जितने हैं सबको मिला है। यह ऐतिहासिक काम भी हुआ है, और जो 1.25 लाख जो ऐतिहासिक नौकरी मिला है टीचर वाला, इसमें अधिकतर महिला ही हैं। देखिए कि जिस तरीके से इनके नेताजी का जन्मदिवस उसको लेकर के शुभकामनाएं दे रही हैं उस तरीके, और साहब बहुत उम्मीद है, बता रही कि हमारे नेताजी महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन जिस तरीके से सदन में इनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था, इन्हें भी पुलिस बल के द्वारा उठाकर फेंका गया था, हालांकि विधायक थी है। लेकिन आज फिर वही तस्वीर शीतकालीन सत्र के दौरान आप देखिए किस तरीके से RJD कार्यालय के बाहर महिला का आरोप लग रहा है कि कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, तस्वीरों में हमने दिखाया भी है। तो इस पर आज हमने जब SC ST कल्याण मंत्री अनिता देवी से सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारे साथ भी हुआ था, ये गलत हुआ था, महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं वो सभी खास करके महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, दूरगामी है, महत्वाकांक्षी है, जन्मदिवस पर बधाई के साथ साथ महिलाओं के लिए भी खुलकर बोले। फिलहाल के लिए ताई बने रहे कशिश के साथ, पटना संकेत की रिपोर्ट।